किसान भाइयों की दुकान पर बात आ रही है तो हम करीब करीब 15 दिन गाँव में गए और देखा भी नहीं स्थिति आलू की चने की गन्ने की और गेहूँ में भी स्थिति खराब है। जैसा कि आदरणीय जिलाधीश महोदय आपसे जो विस्तार से समझाया ज्यादा मुश्किल भी देखे हो सही नहीं आ रहा सब लोग लाइट के परिवार के लोग काम करेंगे आप सामने बैठे और ऊपर बैठे ऐसा कि हम ऊपर होगी बहुत बड़े बड़े भगवान हो गए ज्यादा बड़े तो परिवार के सदस्य के रूप में काम करेंगे। सारे खेतों में गए हैं 30-40 खेतों में गए हैं और इसके अलावा भी 15-20-25 गांव से किसान जो सड़क पर भी फसल लेके आए थे उनको भी देखा है हम लोगों ने और मुख्य तौर पर जो चने में हुआ है जो नुकसान जो आलू में हुआ है मटर में धनिया दिखाई लोगों ने मक्के में जो नुकसान हुआ है ये सब देखा है और इसमें सब रेवेन्यू के अथॉरिटी साथ में थी कृषि विभाग के लोग थे हॉर्टिकल्चर के लोग थे इसमें और नुकसान तो हुआ है काफ़ी उसका एक हम लोग फिजिकल सर्वे करा रहे हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। पहली जो बीमा कंपनियां हैं वो भी उन पर भी अभी से सतर्कता हम लोग नज़र रखे हैं कि वो जो आकलन करें उसमें कहीं त्रुटि ना हो कोई जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टेम्परेचर के आधार पर करता है तो विधायक जी ने बताया कि एक जगह पे टेम्परेचर मीटर ऊपर लगा हुआ था हाइट में उससे नीचे कई सारे गाँव में जहाँ ठंडी हवा नीचे चल के वो पाला के रूप में कन्वर्ट जो डैमेज हुआ है वो कैप्चर नहीं कर पा रही थी वो भी सही बात निकली है उसमें तत्काल हम लोगों ने बोला है कि इसको 1-2 दिन के अंदर नीचे कर रहे हैं या नया लगा रहे हैं उसमें। इस प्रकार से जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी क्रॉप्स हैं अपनी आलू हो गया मटर हो गया धनिया हो गया उनमें HDFC जो इंश्योरेंस है इससे हम लोग बारीकी से करवा रहे हैं बीमा के लिए और चने लेकर के और जो गेहूँ का होगा जैसे फसल कटाई होगी फसल कटाई के लिए जो हमारी रेवेन्यू टीम है उसको स्पेशली पावन किया है कि आप मौके में जाके काटो फसल कटाई करोगे बैठ के नहीं होगे जैसे शिकायतें पहले मिली थी जो हल्के का सामान्य तौर पे जो नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रख करके फसल कटाई होगा और इसमें पिछली बार जो फसल बीमा की जो राशि आई थी अभी 6 महीने पहले उसमें विसंगति इस प्रकार की आई थी कहीं बीमा कंपनी गलती निकली थी कहीं हमारे पटवारियों की फसल कटाई के इशूज़ आए थे ये गलतियाँ हम लोगों की तरफ से इस बार नहीं है उसके लिए विशेष पावन किया है सभी लोगों को और मेन है कि सभी लोग फील्ड में जाके काम करेंगे सही आकलन करेंगे कृषकों के साथ में सामंजस्य संवाद रखेंगे तो सभी चीज़ें सही फैक्ट सामने आते हैं और सही काम भी होते हैं उसमें उसी के लिए चाहे कृषि के लोग अधिकारी रहे हों चाहे हॉर्टिकल्चर के लोग रहे हों उनको सभी को पाबंद किया है। सर अभी आपने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं बैठक ली है आपने अधिकारियों की पटवारियों की और सभी को उनको कुछ दिशा निर्देश दिए उचित इसी संबंध में सब थे जी कि फील्ड में जाएं संवाद रखें जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद रखें ताकि सही फैक्ट सामने आए। कुछ पहले हमने आकलन कराया हॉर्टिकल्चर कृषि से तो आकलन उतना सही नहीं था फिर जब फील्ड में जाके SDM से जानकारी ली तो उसमें ज़्यादा आकलन में ज़्यादा हानि आई हम जाके देख रहे हैं तो और ज़्यादा दिख रहा है हमको। सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पटवारियों द्वारा कुछ खामियां पाई जाती हैं ग्रामीणों की समस्याएं रहती हैं हमेशा शिकायत रहती है तो सर ऐसा कुछ अगर मामला आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई मेनली जो रहता है सीमांकन हो गया पटांकन हो गया इसके आदेश हो गए आमंत्रण हो गए
इन छोटे छोटे इश्यूज़ जो गांव में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और जो बहुत इजीली तहसीलदार लेवल से या नायब लेवल से पटवारी लेवल से हो सकते हैं, इसके लिए स्पेशली बोला है कि अनावश्यक रूप से हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए किसी का, नहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, तहसीलदार को जिम्मेदारी दी है। बहुत बहुत सर, ये भावांतर का पेमेंट बन रहा है, वो पुराने समय का जो बच्चा है उसको देख रहे हैं, विधायक जी ने बताया उसको देख रहे हैं हम। यहाँ मीटिंग ली तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और किसान इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का किसान भाइयों के साथ है और हमने सब यहाँ बैठक ली है राजस्व के अधिकारियों की और उद्यानिक विभाग कृषि विभाग की, तो ये निर्देश दिए हैं कि सब लोग पूरी ईमानदारी से जो अनावारी जो नुकसान हुआ चने का आलू का धनिया का तो उसमें किसान भाइयों को उचित बीमा मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमने बीमे के भी काउंटर खुलवाए हैं, बैंकों को भी निर्देश दिए हैं, तो निश्चित रूप से किसान भाई अकेले नहीं है किसी दुख की घड़े में, किसान भाई को हम सब लोग। जिलाधीश महोदय ने पटवारियों को आदेशित किए हैं, आपके द्वारा भी कुछ पटवारियों को कुछ बताया गया है या कुछ बात रखी गई है? निश्चित रूप से बोला ना, निश्चित रूप से सब लोग पूरा हमला लगा हुआ है और हम सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और इस दुख की घड़े में किसान भाई को साथ है और इस बार निश्चित रूप से जो पिछली बार होता हो रहा है वो इस बार किसान भाई को साथ नहीं रहे होगा और किसान भाई को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।